सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। 29 जुलाई 2019 यानी कि कल भारत और रशिया के बीच करीब 1500 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली एक डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस डील को मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स के फायर पावर को बढ़ावा देने के लिए साइन किया गया है। और आज के एपिसोड में हम आपको इसी डील के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो भारत और रशिया के बीच साइन की गई इस डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर्स के लिए रशियन ओरिजिन की R-27 एयर टू एयर मिसाइल को लिया जाएगा। इन मिसाइल्स को 10i प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त किया जा रहा है ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम और स्पेयर पार्ट्स इनको मेंटेन करके रखा जा सके, जिसे वॉर वेस्टेज रिजर्व यानी कि WWR भी कहा जाता है। और बता दें कि पिछले 50 दिनों में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए करीब 7600 करोड़ रुपए से भी अधिक के डील पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें स्पाइस 2000, सिस्टम अटाका ATGMs और एक बड़ी तादाद में स्पेयर्स को लिया गया है। और जो ये इमरजेंसी पावर्स इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज को दी गई हैं, इनके तहत वे अपनी चॉइस के अनुसार 3 महीनों के अंदर कोई भी इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं और वो भी 300 करोड़ रुपए पर केस की कीमत पर। और ये पावर खास तौर पर पुलवामा आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्म फोर्सेज को दी गई थी। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस 1500 करोड़ रुपए की डील में जिस R-27 मिसाइल को लिया जा रहा है उसकी क्या खास बात है। R-27 एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसे कई अलग अलग वर्जन में विकसित किया गया है, जैसे कि जो इसका इंफ्रारेड होमिंग वर्जन है उसे R-27T के नाम से जाना जाता है, जो इसका सेमी एक्टिव रडार होमिंग वर्जन है उसे R-27R और जो इसका एक्टिव रडार होमिंग वर्जन है उसे R-27EA के नाम से जाना जाता है। और इन मिसाइल्स को खास तौर पर मिक्स सीरीज और सुखोई सीरीज के फाइटर्स के लिए विकसित किया गया था और इसका इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन दोनों ही करते हैं। और चाइना में इस मिसाइल्स को लाइसेंस के तहत प्रोड्यूस भी किया जाता है, हालांकि जो इसका प्रोडक्शन लाइसेंस है वो चाइना ने रशिया से नहीं बल्कि यूक्रेन से लिया है। ये मिसाइल 39 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकती है और जो इसके ऑपरेशन रेंज है वो इसके अलग अलग वर्जन के हिसाब से भी अलग अलग है, यानी कि जो इसका मिनिमम रेंज वाला वर्जन है उसका नाम है R-27T जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है और जो इसका मैक्सिमम रेंज वाला वर्जन है यानी कि R-27EM इसकी रेंज 170 किलोमीटर तक है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस डील के तहत इसके R-27ER वाले वेरिएंट को ले सकता है जिसकी रेंज है करीब 130 किलोमीटर और इस बात की भी संभावना है कि इस डील के तहत इसके सबसे मैक्सिमम रेंज वाले वेरिएंट यानी कि R-27EM को भी लिए जाने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल अभी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि इनमें से कौन से वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स ने लिया है, पर ये मिसाइल Mach 4.5 यानी कि करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।